फतेहपुर के विद्युत विभाग में आज कारागार मंत्री जय कुमार जेकी ने निरीक्षण कर इस दौरान वहां के खामियों पर जोरदार फटकार लगाई है। कारागार मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने का जनता से ऐलान किया था, लेकिन मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में 100 से ज्यादा किसानों के ट्रांसफार्मर बर्बाद पड़े हैं, जिसे लेकर मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और खामियों पर फटकार के साथ ही मंत्री जी ने कहा कि फतेहपुर में ट्रांसफार्मर बनाने की क्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि धान की फसल बोने और वक्त पर चल रहे कामों के लिए सिंचाई का एकमात्र साधन ट्यूबवेल है, और वो भी ज्यादातर किसानों के ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, फुके पड़े हैं, जिससे किसानों का जीवन संकट में है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है, इस व्यवस्था का सुधार किया जाए। सरकार की जिम्मेदारी है और किसानों के प्रति सरकार पूरी तरह से गंभीर है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी, दोनों लोग किसानों के प्रति हम लोग गंभीर हैं। और किसान जो गांव क्षेत्र से कार्यकर्ताओं के माध्यम से फीडबैक मिला, उसमें मिला कि 100 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो विधानसभा के अंदर जले हुए हैं। मुझे लगा अधिकारियों से बात करने के बाद कि ये कितने हैं, हम लोग 48 घंटे में देने के बजाय 15 से 20 दिन ऐसे हैं ट्रांसफार्मर लोगों के नहीं मिले। इस कारण मुझे वर्कशॉप आकर के यहाँ की वस्तु स्थिति देखने में ऐसा लगा कि यहाँ पर घोर लापरवाही हो रही। बहुत जल्द ही एक दूसरा वर्कशॉप बना करके यहाँ फतेहपुर की क्षमता वृद्धि अधिक की जाएगी, क्योंकि यहाँ 10 ट्रांसफार्मर बनाने की जो क्षमता वृद्धि है, आज वर्कशॉप में आने के माध्यम से सब लोगों को जग गया है पूरा विभाग। यहाँ केवल 25 तारीख को तो भेजा है ना, हम यही कहाँ के लिए भेजा है। हाँ, जहाँ आपका प्राइवेट हुआ है कानपुर में, किसके यहाँ हुआ है, ठीक है ना, और उनसे कब कब बात हुई है, उनके खिलाफ लिखा पड़ी थी। नहीं, फतेहपुर से अमन गुप्ता की रिपोर्ट।